तुम्हारी आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। हम जोरदार लगाएंगे, भारत माता की, भारत की जनता पार्टी। आज के इस परिवर्तन संकल्प यात्रा इस विशाल आम सभा के अंदर भारत सरकार के कानून मंत्री और राजस्थान के गौरव आदरणीय श्री अर्जुन राम जी बेगवाल, हमारे मारवाड़ के गौरव, भारत सरकार में कृषि कल्याण मंत्री और आप सबके लोकप्रिय नेता सांसद सम्मान्य श्री कैलाश जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सम्मान्य श्री जगमीर जी छाबा, प्रदेश मंत्री सम्मान्य महेंद्र जी कुंभावत और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मान्य बाबू सिंह जी राजगुरु, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमराम जी चौधरी मंच पर विराजमान, सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य पदाधिकारीगण, आदरणीय पूज्य संत जी के चरणों में नमन, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय माताओं और बहनों, परिवर्तन संकल्प यात्रा आज राजस्थान सरकार को 57 माह हो चुके हैं, 1709 दिन हो चुके हैं। इन 1709 दिनों में इस प्रदेश के क्या हालात हैं, जहां बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दूसरी ओर किसानों को वादा किया और उनका विश्वास इस सरकार ने तोड़ा, उनका कर्ज माफ नहीं करके, नौजवानों को रोजगार देने की बात की, रोजगार बेकारी भत्ता देने की बात की, नौजवानों का विश्वास तोड़ा इस कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार ने। आज इस तरह के हालात, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक के बाद एक परीक्षा आएगी, उसमें वो सफल होंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, परंतु ये निकम्मी अशोक गहलोत की सरकार जिसने परीक्षा तक सही ढंग से नहीं करवाई, पेपर लीक किए और पेपर लीक होने के कारण हमारे विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में हो गया। एक के बाद एक पेपर, तो 16 पेपर उन्होंने लीक करे और इस तरह लीक की जो परीक्षा थी, जिसके आधार पर हमारे सोचते थे नौजवान हमें रोजगार मिलेगा, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, हमारे जैसे बुजुर्ग माँ बाप है उनको बुढ़ापे का सारा मिलेगा, परंतु ये सारी सरकार इसको सबकी आशाओं पे पानी फेर दिया। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, इन हालातों को देखते हुए आज ये परिवर्तन संकल्प जो यात्रा है वो आपको इस बात का वादा करती है कि आपको सुरक्षित महसूस कराएगी, आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, आने वाली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, अच्छी इस तरह से अच्छा प्रशासन देने का वादा करते हैं। आपको एक काम करना है, इस सारे बात का कांग्रेस से बदला लेना है, कमर पे बटन दबाकर कांग्रेस को उतार के फेंकने का आज इस परिवर्तन यात्रा में आपको संकल्प करना है। आज जन्माष्टमी है,
जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण ने कहा है अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, संघर्ष करो, विजय तुम्हारी होगी। यह आज जो हमारी संघर्ष है उसकी विजय के लिए हम आपको आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपको कमल खिलाना है और कांग्रेस को हराकर इस पूरे बाड़मेर के अंदर कमल खिलाना है, पूरे राजस्थान में कमल खिलाना है। यही निवेदन करने के लिए मैं आप सबके बीच आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत।